अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मी गौसम गुरु। मेरी तरफ से, बोल नेटवर्क की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। जनाब, आज हुआ पहले रमजान का पहला मैच, पहला मुकाबला टीम गोरिलास वर्सेस टीम ड्रैगन्स। जनाब, आपको आज मैं शो से पहले के मनाजिर नहीं दिखा सका, लेकिन शो के बाद के मनाजिर जनाब आपके सामने हैं। अभी अभी लाइक पहला मैच कंप्लीट हुआ और दोनों टीम से कंटेस्टेंट वहां पर बैठ चुके हैं। ऑडियंस लाइक इस बार हमारे साथ पूरे लीग, रमजान लीग में हमारे साथ होगी। जनाब, शो के बाद के मनाजिर आपके सामने हैं और आपको सबसे पहले आज विजिट कराता चलूं ये सेट। जनाब, इस बार रमजान लीग के अंदर हमारे पास होंगी बहुत सारी गाड़ियां। निशा ब्यूटी क्रीम की बाइक हमारे साथ मौजूद है, झलक ब्यूटी क्रीम की मौजूद है और जनाब एक ब्रांड एक और है वहां पे, और उसी के साथ साथ यार सबसे बड़ी सबसे महंगी बाइक यहाँ पे रखी है, बड़ी वाली गाड़ी है, स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पर मौजूद है जो कि यस हार्ले यहाँ पर मौजूद है जो कि वीवो टेल की तरफ से। उसी के साथ साथ फ्रेश फ्रेश की गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है जनाब, बूम 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 की तरफ से यहाँ पर गाड़ी है। उसके बाद फ्रेश फ्रेश की बाइक यहाँ पर मौजूद है, बाकी बहुत सारे ब्रांड्स जनाब यहाँ पे रखे हुए, उनकी भी मोटरसाइकिल्स यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं सेट तो जनाब फ्लोर पे बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, फ्लोर को बहुत अच्छा बना दिया गया है और SMD आपके सामने लगी हुई है पीछे। और उसी के साथ साथ अगर आपको याद होगा तो इस तरफ पहले हमारे पास बोर्ड्स लगे हुए होते थे, लेकिन अब यहाँ पर बोर्ड्स को हटाकर राइट पर और लेफ्ट पर जनाब SMD का लाइक इंतजाम किया है। SMD बहुत अच्छी लग रही है। और उसी के साथ साथ जनाब आपको याद होगा कि यहाँ पर बैंड की टीम बैठती थी, तो बैंड की टीम के पीछे जो भी मोनोग्राम वगैरह लगा हुआ था, गेम शो का लोगो लगा हुआ था, वो हटा के यहाँ पर ग्राफिटी का काम किया है और उसका भी पूरा बैकग्राउंड तब्दील कर दिया है। जनाब, आज तो हमारे पास डकआउट्स नहीं थे और जो टीम्स यहाँ पर बैठती हैं उनके डकआउट्स पीछे खड़े हुए होते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो डकआउट्स भी यहाँ पर आ जाए। वाल जनाब, अगर आप गेम शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी रमजान लीग में आए, तो आप दुआ करें कि आपके पास कॉल आ जाए। आपको एक दफा फिर से जनाब पूरा व्यू करवाऊं सेट का, ही देखें पूरा व्यू आपके सामने, ये आ गया जनाब पूरा व्यू। और जो आज का पहला मुकाबला जीता है वो जीता है जनाब टीम लाइक ड्रैगन्स ने। और हमारे साथ ये प्यारी सी बच्ची मौजूद है मरियम, जो कि पिछले साल भी लाइक रमजान ट्रांसमिशन में मौजूद थी और इस साल भी रमजान ट्रांसमिशन में होगी। और ये बहुत शरारती बच्ची है, बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट है और नाते बहुत अच्छी पढ़ती है और आज इसने पूरा शो बैठ के देखा। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे शो देखने आई हूं। कौन सा शो? गेम शो। आज कौन जीता? आज बताओ आज कौन सी टीम जीती? लारेम भाई की टीम तो जीतती रहती है। तो लारेम भाई की टीम तो हार गई ना आज? लारेम भाई की टीम और टीम गोरिल्लास में थे ना? एक बार जीते हैं। ओके, तो कौन सी टीम? टीम ड्रैगन्स। यस, आज जीती है टीम ड्रैगन्स। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सी टीम? अच्छा मरियम, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही थी, टीम ड्रैगन्स को या टीम गोरिल्लास को? जी गोरिल्लास। आप टीम गोरिल्लास को सपोर्ट कर रही थी, क्यों भाई? क्योंकि गोरिल्लास टीम में लारे भाई हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। चले भाई, मरियम को अच्छे लगते हैं लारे भाई, इसलिए मरियम टीम गोरिल्लास को सपोर्ट कर रही थी, ऐसा ही है मरियम? चले मरियम, थैंक यू सो मच। वेल जनाब, बाकी के जो कंटेस्टेंट वहाँ पे मौजूद हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। और आज का तो पहला शो हुआ रमजान लीग का, उसका एक्सपीरियंस उनसे मालूम करेंगे और क्या कहते हैं जो हारी हुई टीम है उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो फिर आइए मेरे साथ जनाब शो के बाद के मनाजिर। टीम ड्रैगन्स आज की विनिंग टीम यहाँ पर मौजूद है, दानिश भाई भी आ गए साइड पे और जनाब इस वक्त दानिश भाई का होगा फोटो सेशन। और क्या हुआ? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम शहताज, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। आप हैं टीम लाइन्स की शेरनी, शहताज शेरनी, और इस बार रमजान में सारे गेम्स तब्दील होगा। शहताज, आप टीम लाइन्स में, आपके सारे कंटेस्टेंट ठीक हैं? आप मुतमईन हैं अपने सारे कंटेस्टेंट से? मुझे आज में हमने पहला शो किया, पता चला कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत प्रेशर है, तो जब आपका मैच होगा तो उसके लिए कुछ आपने प्लानिंग वगैरह तैयार की है, अभी ये बताइए। हाँ, हमारी आज बात हुई थी टीम में, हमारी मेरी जंगी तो नहीं आया बट जो मेरी टीम में है बलाज और आमिर, तो हम लोगों ने गेम से बैठ के देखे, स्ट्रैटेजी भी बनाई कि कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि सारे गेम टोटली चेंज है। अब देखने में तो वो मुश्किल लग रहे थे, खेल के पता चलेगा कि इजी है या वाकई में मुश्किल। चले भाई, जब आपका मैच होगा तो देखेंगे किससे होता है और आप पिछाड़ेंगे सामने वाली टीम को या नहीं। शहताज थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ टीम ड्रैगन्स की कशव मौजूद है। कशव, पहला मुकाबला, पहला मैच,
धमाकेदार मुकाबला, सबसे बड़ा मैच रमजान लीग का और पहला मैच ही आप जीत गई, कैसे जीत गई? मैं ना सोच कर आई थी। पहली बात ये होती है कि जब आप हमेशा सोचते हो ना कि आपके पास यही चीज है और इसी चीज में आपने मुकम्मल करना है, तो मतलब ये सोच के जब आप वो चीज करो ना तो वो चीज उसी में हो जाती है। मुकम्मल क्या मतलब, बहुत अच्छा मतलब मैं ना कभी मैच अच्छा नहीं खेलती, तो मैं ना छक्के मारती, मेरी बॉस में सोती है। अच्छा इधर दो चीते, आप चीते हैं, आपको पता है चीते का एक चीते की चीते का जो इंटरव्यू लेना होता है। नहीं आप बताएं, आप बताओ मेरे भाई कैसे हैं आप, दिखाएं तो लोगों को दिखाएं ना। टीम टाइगर्स, टीम टाइगर्स कौन है आपकी टीम में बताइए? मैं हूँ शेर से पसीना। लाइट इतनी प्यारी है, सेटिस्फाई है अपनी टीम से आप? अच्छी बात है, आपको तो अच्छा समझ। अरे क्या बात है भाई जैन, मेरा भाई आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी और ये जो आवाम देख रही है उन सबको भाई। ऑडियंस सारे कंटेस्टेंट जा चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि आज पहला रमजान था, पहला शो था, सब थके हुए, सब भाग गए, जैन रुका हुआ था, मैंने जैन को पकड़ लिया। जैन आप बने हैं टीम ड्रैगन्स का हिस्सा और रमजान लीग में 6 टीम्स हैं। बिल्कुल, आज आपने पहला मैच खेला, ये लीग बहुत आसान है या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये बताइए। ये देखिए आज हम खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तो अपना बेस्ट दिया है, 100% दिया, ठीक है। स्पेशली मैंने नहीं दिया, मेरी पूरी टीम ने दिया, ठीक है, जिसमें इज़मा ने बहुत अच्छी गेम्स खेली और क्या बोलते हैं जो क्या नाम है कश्यप थी और हमाद नाम थोड़े सा मुश्किल है क्योंकि साथ नहीं है। अच्छा, सेटिस्फाई हैं आप अपनी टीम से? बिल्कुल, अपनी टीम से मैं शुरू से ही सेटिस्फाई था क्योंकि मुझे पता है कि मेरी टीम बहुत अच्छी है और मेरी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे प्रो हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर थोड़ी सी कमी पेशी हो, सारे मतलब की 100% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चारों साथ मिलते हैं तो फिर एक मुक्का बनता है और मुक्का पांचवी तो नहीं है मगर पांचवे का मिलता है। अच्छा जैन मुझे एक बात बताएं, लाइक सारे गेम्स तब्दील हो गए, गेम्स हो गए, तो गेम्स बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, कैसा ये बताएं? गेम्स मुश्किल है, आसान भी है, मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल गेम्स है, ठीक है, पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने गेम्स को इतना सर पे नहीं लिया, दिमाग पे इतना ही बिठाया क्योंकि हमें अपना 100% देना था, हमने अपना 100% दिया और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फाइनल की ट्रॉफी भी हमारी होगी। और सोच के आया था कि हम लोग ही जीतेंगे इंशाल्लाह, और जब अच्छी वाइब्स आ रही हो तो समझ लें कि फिर अल्लाह पाक भी आपके साथ। चले जी जैन, थैंक यू सो मच, जनाब उम्मीद करते हैं आज एक बात हो रहा है कि गाइस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है आपने हमारी टीम को, टीम ड्रैगन्स को हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है आप लोगों की, सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ नहीं है, आप लोगों की दुआओं के बगैर। तो रमजान शरीफ है, आप लोग रमजान की बहुत बहुत मुबारक, और हमें रमजान की दुआओं में भी याद रखिएगा, जब भी नमाज में बैठे तो अपने लिए भी, अपनी उम्मत के लिए भी, और आप सल्लम की उम्मत के लिए, सबके लिए जिन जिनको दुआओं की जरूरत है। लव यू गाइस। चलिए वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का पहला मैच और पहला रोजा आपने बहुत अच्छे से गुजारा होगा, बहुत जबरदस्त आपका पहला रमजान ये गुजरा होगा, शो आपने एंजॉय किया होगा, गेम शो ऐसे चलेगा। और आज का पहला मुकाबला है टीम ड्रैगन्स वर्सेस टीम गोरिलास, और जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आने वाले मैचेस भी आपको दिखाएंगे, पूरा सेट मैंने आज आपको दिखाया तमाम टीम के कंटेस्टेंट से, तो मैं आपकी मुलाकात नहीं करवा सका क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, चीजें बहुत सारी थी, काम बहुत ज्यादा था, कल अगला मुकाबला होगा, पता नहीं किन दो टीम्स का जो आएंगे उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, मिलेंगे कल आपके साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।